Hi, Assalamu Alaikum Ji. This is your host Bilal Ashraf. Main hu Fawad Alam. And we are back with the Jubilee match analysis, HPL PSL 6, Quetta versus Zalmi. So Fawad, aaj bhi main bahut upset hu kyunki meri team phir haar gayi. Lekin shuru mein aisa lag raha tha ki Sarfaraz ne jo changes kiye hain spinner Nawaz se unhone gende karayi. कंट्रोल भी कर लिया था, पांच ओवर में कोई 19 और रन्स थे, दो आउट भी कर दिए थे, पर मिलर ने आके पूरी गेम चेंज कर दी और साथ में कामरान अकमल ने बड़ी अच्छी सपोर्ट की, पावल ने भी रन किए और एकदम से टारगेट अनएक्सपेक्टेडली 190s में चला गया. आज तो कप्तानी भी सही लग रही थी, चीज़ें भी सही लग रही थी, क्या हुआ? कप्तानी भी सही थी, चीज़ें भी ठीक थी, तो मेरे ख्याल से किस्मत ठीक नहीं थी क्वेटा की, जो कि पूरे सीजन में नज़र आ रही है. आई थिंक देखिए, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ क्योंकि देखिए मेरे ख्याल से क्वेटा आगे लगी हुई है, शुरू से ही लगी हुई है, स्टार्टिंग जब भी ये सीज़न 6 स्टार्ट हुआ है PSL. सो हर चीज़ जो है ना उनकी ख़राब होती जा रही है, इसलिए उनको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. और जहाँ तक जलमी की बात है, स्टार्ट बहुत अच्छा था क्वेटा का, आई थिंक बॉलिंग और ओवरऑल कामरान अकमल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, फिर मिलर ने आके तो मैच अवे ही कर दिया बिल्कुल ही क्वेटा से, क्योंकि 197 रन अगर आप बना लें पहली इनिंग में, तो दूसरी टीम जो कि मैच जीत नहीं पा रही, परफॉर्मेंस दे नहीं पा रही, और एक दिन पहले उसने 140 रन बड़ी मुश्किलों से बनाए थे, तो उनके लिए 197 रन चेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. और जलमी की बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है, तो आई थिंक क्वेटा बस आगे लगी हुई है, अनलकी कह सकते हैं और उनको गुड लक कह सकते हैं अगले मैचों के लिए, नहीं अगले सीजन के लिए. हाँ, वेल आई गेस क्वेटा टफ लक, दिस हैज बीन अ टफ राइड फॉर क्वेटा ओवरऑल, बिकॉज हमने ये देखा कि एक और चीज़ आज जो मैच में हमने देखी कि 197 एक हाई टोटल पहली दफ़ा, हमने 170s देखे, हमने 150 प्लस रन देखे, बट 190 क्लोज टू 200 कह सकते हैं पहली दफ़ा देखा. तो क्या पिच जो है वो कुछ बेहतर हुई है आपके ख्याल से, क्या हम आगे भी इस तरह के टोटल्स देखेंगे? नहीं, पिच का नहीं आप कह सकते, क्योंकि पिच वैसा ही खेल रहा है जैसे पहले खेल रहा था. जितने भी मैचेस हुए हैं तो 170-180 और रन बने हैं, सिर्फ कल ही एक ऐसा मैच मेरे ख्याल से हुआ है जहाँ पर 140 रन बने. सो आज का देखें जो डिफरेंस था वो मिलर था, उन्होंने मोमेंटम ही बिल्कुल चेंज कर दिया, शिफ्ट ही अलग कर दिया ना. फिर नीचे से आगे जो पावल ने पावर हिटिंग की, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 19 बॉलों पे उन्होंने कोई 40 आउट रन बनाए. सो आई थिंक वो बिल्कुल ही अवे कर देता है, और इसमें पिच का कमाल नहीं आता, आई थिंक वो बैट्समैनों को भी क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो जिस तरह से आके उन्होंने जो है मैच को जो है क्वेटा से बिल्कुल अलग कर दिया. सो आई गेस फैंस, ऑल द क्वेटा फैंस आउट देयर इंक्लूडिंग मी, वी विल हैव टू वेट टिल नेक्स्ट PSL टू सी ऑल द चेंजेस, एंड आई थिंक क्वेटा को बहुत कुछ सोचना, रीथिंक करना पड़ेगा. लेकिन बिलाल भी, अभी तक उनके पास अभी ये 2-3 मैच जो बचे हैं वो एक अच्छा रिकॉल भी है, गैदर कर सकते हैं, क्योंकि जब नेक्स्ट ईयर की उन्होंने टीम बनानी है तो उनके पास और ऑप्शन सामने नजर आ जाएंगे कि यार कहाँ कमियाँ और मौजूद हैं, तो हम उसको फिट इन कर सकें. 100%. और आई थिंक पेशावर के लिए बड़ा टाइमली आई ये परफॉर्मेंस, एग्जैक्टली सारे बैट्समैन ने परफॉर्म किया जबरदस्त, उनकी कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से अब जबरदस्त बनता हुआ आ रहा है मेरे ख्याल से, जो मिलर के आने से फिर ये पावल के आने से वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, नो डाउट. एंड वेल लेट्स सी how far Peshawar goes in this PSL. So fans, that's all from Jubilee Match Analysis. Signing off, this is Bilal Ashraf. Main hoon Fawad Alam. And milte hain agli game pe. Jubilee Insurance. Befikr mustaqbil.